अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूँ, जो वो वीडियो के आइकन में भी है। डू यू थिंक यू आर अ डक और डू यू थिंक यू आर एन ऑस्ट्रिच? नो, इट्स नॉट जस्ट अ फनी क्वेश्चन, इट्स अ रियल क्वेश्चन विद रियल इम्प्लिकेशंस। कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हुए हों, चार दोस्त आपके आए और उन्होंने वो कहें कि चलो कहीं चलते हैं, और आप उठ के चल पड़े हैं। वो कहते हैं कि जी आप, हम फोर्ट्रेस स्टेडियम जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और दिसंबर की कड़कती हुई जो है सर्दी वो पड़ रही है, और आपसे ना ना हो और आप कहें कि इतने सारे कह तो रहे हैं तो मैं चल ही पड़ता हूँ। अच्छा, फिर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कभी कोई नामाकूल सी बात हुई हो या ऐसी बात हुई हो जो फेवरेबल ना हो, और आप उसके बारे में बात ना करना चाहें, आप उसको एंगेज ना करना चाहें? मुश्किल डिस्कशंस मुश्किल लगती हैं आपको करनी, ऐसा तो नहीं है कहीं? तीसरी बात, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जब कोई टोला आता है और आप उसके साथ चल पड़ते हैं, क्या ऐसा भी है कि ये टोला जब भी कोई ऐसी बात करता है जो आपके लिए आसान होती है तो आप ज्वाइन करते हैं, जहां जरा सा इनकन्वीनियंस आती है? तो अगर ये टोला कहता है कि चलो यार फला बंदे ने घर शिफ्ट करना है तो उसकी मदद कर देते हैं, जाके आ जाओ, उसमें आप नहीं जाते हैं? सो ये जो अप एंड गोइंग जो मैन्यूवर है, ये सहल बातों में है, आसान बातों में है, मुश्किल और इनकन्वीनियंट बातों में नहीं है, हैं जी? ऐसा तो नहीं है कहीं? मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। एक दो तीन चार, मेरे नोट्स उधर है, मैं उधर इसलिए देख रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हजरात से बेटे। सबसे पहले मोहम्मद अली, द बॉक्सर मोहम्मद अली, डू यू नो हिम? ऑफकोर्स यू नो हिम, बट डू यू नो दैट ही लेटर ऑन found more meaning to his life than just box somebody in the face and get boxed in his face and the sport and the sporting side of it. Unhone Allah unko rahi ke rehmat kare, unhone join kar li jo us blacks ki ek puri campaign chal rahi thi for their rights. ठीक है, वो राइट्स कैंपेन ज्वाइन की, वो बहुत ज़्यादा वोकल थे अपने राइट्स के लिए, अपनी रेस के राइट्स के लिए. He got into trouble because he was political, and then unka license revoke hua, unki world titleship gayi, if I remember all of these things correctly, aur phir finally unka license revoke wapas kar diya gaya because it was just silly. Ek legendary fighter ko aapne farig kar diya hai just because of certain views that he holds, to wapas aaya aur de dhanadhan karke जीत जूत गए, सारी बेल्ट्स वापस हो गई, एंड ही बिकेम अ सेलिब्रेटेड लेजेंड. फिक्र फरदा अगर मोहम्मद अली को होता सिर्फ, तो मोहम्मद अली मोहम्मद अली ना बनता. मोहम्मद अली को बेटे मोहम्मद अली बनाने में वो राइट्स कैंपेन में जो उनकी शमूलियत है वो बहुत बड़ा किरदार है. नंबर टू, मार्क जुकरबर्ग को तो जानते होंगे. क्या आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में कि ही मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे? एक्चुअली रेड अबाउट हिम, एंड ही हेट्स टू वेस्ट टाइम. नाइस, वेरी गुड. So what does he do to cut the time on irrelevant things? He has the same black t-shirt and jeans or whatever in his wardrobe. Same color, ek hi color ke bete. Kisi ne pucha, bhai ye kya hai, tum hamesha kali t-shirt mein, uske videos laga ke dekh lo, wo kali t-shirt hi hogi. Kisi ne pucha ye kya chakkar hai, kehte hain that's one less decision to think about because it's irrelevant whatever. Jim Carrey, everybody knows the rubber face, love this guy. Uska quote hai, I'll paraphrase, ki I want, ye Jim Carrey ne kaha hai, the most non serious person, by the way aapko pata hai wo personally, uski personal life kafi dukhi hai, clinical depression ka shikar raha, aur he found the meaning of life through his depression and his I think fractured family life. So aapko uska ek aspect pata hai, theek hai, fir uska ye call ki I want everyone to have all the money in the world and all the opportunities to realize that this is not enough or something like that, okay, it's not sufficient.
कि लाइफ में और भी मीनिंग्स हैं. ओके, ही हैज ऑल द मनी बाय द वे, विच मी एंड यू प्रोबली डोंट हैव. ही हैज ऑल द एक्सेस, शोबिज़ का चीता है वो, आजकल भी फिल्में बना रहा है, और ही इज एन आइकन जो मैं और आप नहीं हैं. ठीक है, अनलेस जिम कैरी इज वॉचिंग दिस एंड हेलो लियोनार्डो डिकैप्रियो, या लियो, फेमस गाय, फेमस हॉलीवुड स्टार. हाउएवर, डू यू नो कि ही हैज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कॉल्ड लियोनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन, एंड ही डज अ लॉट ऑफ वर्क इन ये ह्यूमैनिटेरियन काम, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाले मामलात हैं इनको एड्रेस करते हैं. ठीक ठाक पैसे लगाता है, अपने पैसे लगाता है इन कामों में, फलाई कामों. उसको क्या पड़ी है? ही हैज एक्सेस टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ही हैज एक्सेस टू प्रॉब्ली द वुमेन ही वॉन्ट्स. ओके, ही हैज एक्सेस टू देम, मैंशंस, कार्स, यू नेम इट, ही हैज गॉट इट और प्रॉब्ली कैन गेट इट. बट नो, देर इज समथिंग विच इच इज इन हिम जो हमें पाकिस्तानियों को शायद समझ नहीं आती कि यार सब कुछ तो है, मुसीबत क्या है इसको. ये सारे दूसरे मामलाते, मीनिंग ऑफ लाइफ वगैरह, यू नो, ये सब अजीब आइडियाज हैं, लेकिन इन सारे माशाल्लाह मशहूर लोगों में आपको मीनिंग ऑफ लाइफ नजर आती है. और आखिर में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भी नाम सुना होगा आपने माशाल्लाह. तो उनका कैसे, वैसे तो बहुत किस्से हैं हजरत उमर के, तो लेकिन एक किस्सा बड़ा मजे का लगता है मुझे. पैलेस्टाइन फतह कर लिया था मुसलमानों ने, ठीक है, उनके दौर में, और वो जा रहे थे पैलेस्टाइन टू फॉर्मलाइज द होल थिंग. तो आप और आपका एक सर्वेंट था जो उस वक्त आपका कंपेनियन था, और एक सवारी थी जो प्रॉबली डोंकी था, गधा था उनके साथ, एक घोड़ा शायद नहीं था या कैमल नहीं था. वो जा रहे थे तो उन्होंने बारियां लगाई हुई थी, उमर, हजरत उमर, तो उमर हजरत उमर है. फिर उन्होंने बारियां लगाई हुई थी कि कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर तुम बैठोगे. तो किस्सा इस तरह हुआ कि जब पैलेस्टाइन में एंटर हो रहे थे, किसकी बारी थी खोते हुए बैठने की? सर्वेंट की. तो वो पैदल थे और सर्वेंट था वो खोते के पर. तो लोगों ने देखा तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए कि क्योंकि उनके उन वो बड़ी क्लास कॉन्शियस सोसाइटी थी पैलेस्टाइन की, बड़े फैशनेबल लोग थे एक्चुअली अगर आप पढ़ें उनके बारे में. तो उन्होंने कहा कि होल्ड ऑन, ये क्या है, ये तो सवारी पे तो एक बंदा बैठा हुआ है, तो इज ही द रूलर हु हैज कॉन्कर्ड अस, एंड ये सारा कुछ, सारा हिसाब किताब अब इसका है. तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, नहीं जी, ये जो साथ चल रहे हैं द टॉल फेलो, ही इज द वन. ओके, और इसी का एक छोटा सा एक और टिडबिट है. उससे उस इस एंट्री से पहले एक जगह थी जहां पड़ाव करना था, क्योंकि काफी लंबा सफर होता है, पैदल होता था और या सवारी पर होता था, तो लोग थक जाते थे. तो एक जगह पहले उनकी एक रिसेप्शन रखी हुई थी वहां के लोकल मुसलमानों ने, वहां उनको रिसीव किया गया, और वहां पे उस रात को उनकी उनके साथ बैठक हुई, और वहां पे हजरत उमर ने एक और तारीख रकम की एक बात कह के. अब बात क्या थी? बात यह थी कि उनके लिबास पे कई जगह पैबंद लगे हुए थे, और वो क्योंकि इतना लंबा सफर करके आए थे, अगर आप मैप पे देखें तो मदीना से उठ के पैलेस्टाइन आना पैदल और इस तरह से एक सवारी के ऊपर बड़ा एक कठिन काम, कई दिन लगते हैं, कई हफ्ते लगते हैं. तो मिट्टी जमी हुई थी और गंदे हुए हुए थे कपड़े वगैरह. तो किसी मुसलमान ने उनको ये मेंशन किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त खलीफा भी थे बाय द वे, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है, गेट इन टू समथिंग विच इज मोर प्रेजेंटेबल. क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग क्लास कॉन्शियस हैं, तो वो वहां पे ना थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाएगी. ये उन्होंने कह दिया, हजरत उमर ने सुन लिया. फिर हजरत उमर ने जो बात की वो हिस्ट्री मेरे लिए हिस्टोरिकल है. वो बात ये की कपड़ों से हमारी आइडेंटिटी कपड़े नहीं है, हमारी आइडेंटिटी इस्लाम है. जिस दिन हमने कपड़ों में, अपनी अपेयरेंस में अपनी आइडेंटिटी तलाश करनी शुरू कर दी, वो हमारे जवाल के दिन होंगे. एंड में, आर यू अ डक और एन ऑस्ट्रिच? विल यू फॉलो व्हाट जस्ट अबाउट एवरीवन एल्स इज डूइंग? बिकॉज डक्स डू दैट. वुड यू बी एन ऑस्ट्रिच जो कि डेंजर आते ही अपना मुंह जो है वो जमीन के अंदर घुसा लेता है? आर यू नॉट, डू यू डोंट हैव सब्सटेंस टू फेस टू द चैलेंजेस?
जो आपके लिए आए हैं, जो जो आपकी फैमिली के लिए आए, योर लव्ड वंस, और वुड यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल? डोंट बी एन ऑस्ट्रिच, डोंट बी अ डक ईदर. आई वॉज थिंकिंग वॉट शुड आई टेल यू टू बी? इट्स अ यूनिक चॉइस. लायन शाइन नहीं, लायन कुछ नहीं करता. लायन अपनी फीमेल्स पे डिपेंड करता है शिकार लाने के लिए. मुझे नहीं पसंद वो चीज उसकी. ही शुड प्रोवाइड, ही शुड टेक केयर. वो नहीं करता टेक केयर. लायन इज अ बैड बैड एनिमल. आई वाज थिंकिंग अबाउट अ वुल्फ. अ वुल्फ हैज ऑनर, इट हैज अ ब्रो कोड और अ गर्ल कोड. ओके, वो अपने ख्याल रखता है क्लैन का और पैक में रहता है. पैक के अपने कवायद होते हैं जिसको वो ऑब्जर्व करता है. खाता है तो मिल के खाता है, मरता है तो मिल के मरता है. प्लान करता है हंट्स को, अपॉर्चुनिटीज बनाता है, सोचता है कैसे क्या. अ वुल्फ इज नो शीप, अ वुल्फ इज नॉट अ डक, एंड सर्टनली अ वुल्फ इज नॉट एन ऑस्ट्रिच. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बी ऑफ सब्सटेंस, बी समबडी. कोई ऐसा काम करो बच्चे कि लोग आपको एक ऑनरेबल इंसान के कॉलम में याद रखें. ऑल्सो रैन मत बनो. ऑल्सो रैन मेरे दादा कहते होते थे जब हम इंतहाई कोई बिलो एवरेज किस्म का काम करते थे. ऑल्सो रैन क्या होता है? तुम ऑल्सो रैन हो. ऑल्सो रैन की जिंदगी नहीं है ये. एक्सीड, एक्सेल, थिंक अबाउट दीज थिंग्स. No ostrich and duck for you. Be a wolf. Assalamu alaikum.